लिबर ऑफिस राइटर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम राइटर के बारे में सीखेंगे। राइटर में भिन्न टूलबार, एक नए डॉक्यूमेंट को और एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोलें, एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें और राइटर में डॉक्यूमेंट कैसे बंद करें। लिबर ऑफिस राइटर लिबर ऑफिस सूट का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बराबर है। यह एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अतः इसका किसी प्रतिबंध के बिना आदान प्रदान, संशोधन तथा वितरण कर सकते हैं। क्योंकि यह फ्री है, इसलिए इसका आदान प्रदान बिना किसी लाइसेंस शुल्क के किया जा सकता है। लिबर ऑफिस सूट के साथ शुरुआत करने के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और इसके उच्च वर्जन जैसे कि एमएस विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं, या आप जेएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। यहां हम जेएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तथा लिबर ऑफिस सूट 3.3.4 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं। यदि लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं किया है तो सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर का उपयोग करके राइटर संस्थापित कर सकते हैं। सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया लिनक्स ट्यूटोरियल को देखें और इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें। विस्तृत निर्देश लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में मौजूद हैं। याद रहे, राइटर का संस्थापन करते वक्त कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें। यदि आपने लिबर ऑफिस सूट का संस्थापन पहले ही कर लिया है, आपको लिबर ऑफिस राइटर मिलता है। जब आप स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में एप्लीकेशंस ऑप्शन क्लिक करते हैं और फिर ऑफिस तथा लिबर ऑफिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, विभिन्न लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। लिबर ऑफिस का उपयोग करने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, जो कि सूट का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है। मुख्य राइटर विंडो में यह एक रिक्त डॉक्यूमेंट खोलेगा। राइटर विंडो में विभिन्न टूल बार हैं, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार तथा स्टेटस बार, जिसमें ज्यादातर उपयोग में आने वाले ऑप्शंस हैं, जिन्हें हम आगे ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। चलिए ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलें। स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकन पर क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, या मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर न्यू ऑप्शन क्लिक करें और अंत में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि दोनों ही मामलों में एक नई राइटर विंडो खुलती है। अब एडिटर एरिया में कुछ टाइप करें। तो हम टाइप करते हैं रिज्यूम। जब डॉक्यूमेंट लिख कर हो जाए, भविष्य में उपयोग करने के लिए उसे सेव करें। उस फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां आपको नेम फील्ड में आपकी फाइल का नाम एंटर करना होगा। तो आपकी फाइल का नाम रिज्यूम एंटर करें। नेम फील्ड के नीचे सेव इन फोल्डर है, फील्ड जहां पर आपको फोल्डर का नाम एंटर करना होता है, जिसमें आपकी सेव की हुई फाइल होती है। सेव इन फोल्डर फील्ड से डाउन एरो पर क्लिक करें। आप मेन्यू में फोल्डर्स की सूची देखते हैं, जहां आपकी फाइल सेव कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पर फाइल सेव होगी। आप ब्राउज फॉर अदर फोल्डर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं और फोल्डर चुन सकते हैं, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। अब डायलॉग बॉक्स में फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपको फाइल प्रकार यानी फाइल टाइप के ऑप्शन या फाइल एक्सटेंशन बताता है, जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। लिबर ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल टाइप है ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि .odt एक्सटेंशन प्रदान करता है। ODT ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या ODF फॉर्मेट के लिए स्वरूप है, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ओपन स्टैंडर्ड है, जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है।
यह भारत सरकार की ओपन स्टैंडर्ड इन ई गवर्नेंस पॉलिसी द्वारा भी स्वीकृत है। .odt टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव करने, जो कि लिबर ऑफिस राइटर में ओपन की जा सकती है, के अतिरिक्त आप अपनी फाइल को .doc और .docx फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जो कि एमएस ऑफिस वर्ड प्रोग्राम में ओपन की जा सकती है। एक और लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन जो अधिकतर प्रोग्राम्स में खुलते हैं, वह है .rtf, जो कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। अब ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप फाइल टाइप ऑप्शन के करीब प्रदर्शित ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा कोष्ठक में .odt देख सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक करें। यह आपको राइटर विंडो पर ले चलते हैं, जिस पर टाइटल बार पर आपका दिया हुआ फाइल नेम और एक्सटेंशन होगा। अब आप राइटर विंडो में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने के लिए तैयार हैं। ऊपर चर्चा किए फॉर्मेट के अलावा राइटर डॉक्यूमेंट को .html में सेव कर सकते हैं, जो कि एक वेब पेज फॉर्मेट है। यह उसी तरह से किया जाता है जैसे कि पहले समझाया गया है। तो मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर HTML डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और कोष्ठकों में openoffice.org राइटर ऑप्शन। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट को .html एक्सटेंशन देता है। सेव बटन पर क्लिक करें। अब डायलॉग बॉक्स के आस्क व्हेन नॉट सेविंग इन ODF फॉर्मेट ऑप्शन में चेक करें या क्लिक करें। अंत में कीप करंट फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट .html एक्सटेंशन के साथ सेव हुई है। स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले जैसे स्थान चुनिए जहां आप सेव करना चाहते हैं। ऐसा आप मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन और फिर एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स जो नजर आ रहा है उसमें एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। एक PDF फाइल बन जाएगी। चलिए फाइल पर और फिर क्लोज पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं। अब हम देखेंगे कि लिबर ऑफिस राइटर में एक मौजूदा डॉक्यूमेंट कैसे खोलें। resume.odt डॉक्यूमेंट खोलते हैं। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए ऊपर मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है। यहां उस फोल्डर को खोजें जहां आपने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव किया है। तो डायलॉग बॉक्स के ऊपरी बाएं कोने में छोटे पेंसिल बटन पर क्लिक करें। इसमें नाम है टाइप अ फाइल नेम। यह लोकेशन बार नामक एक फील्ड ओपन करेगा। यहां आपको जो फाइल का नाम चाहिए उसे टाइप करें। तो हम फाइल का नाम resume टाइप करते हैं। अब सूची में जो फाइल का नाम resume दिखाई पड़ता है, उसमें resume.odt चुनें। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि resume.odt फाइल खुलती है। बारी-बारी से ऊपर टूल बार में ओपन आइकन पर क्लिक करके तथा आगे की प्रक्रिया को उसी तरह करके आप एक मौजूदा फाइल को खोल सकते हैं। आप .doc तथा .docx एक्सटेंशन वाली फाइल को राइटर में खोल सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखेंगे कि फाइल में बदलाव कैसे करें और उसे उसी फाइल नाम से सेव कैसे करें। अतः पहले बाएं माउस बटन पर क्लिक करके रिज्यूम टेक्स्ट को चुनें, फिर इसे टेक्स्ट पर ड्रैग करें। यह टेक्स्ट को चुनेगा और चिन्हांकित करेगा। अब बायां माउस बटन छोड़ दीजिए। टेक्स्ट अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल बार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें। अतः टेक्स्ट बोल्ड हुआ है। टेक्स्ट को पेज के मध्य में लाने के लिए टूल बार से सेंटर्ड आइकन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि टेक्स्ट पेज में मध्य में संरेखित हुआ है। अब टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। टूल बार में फॉन्ट साइज फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 14 पर क्लिक करते हैं
अतः टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 14 हो जाता है। फॉन्ट नेम फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर फॉन्ट नेम के रूप में अनडोटम को चुनें। टूल बार में सेव आइकन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि बदलावों के बाद भी फाइल उसी फाइल नेम में सेव हुई है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपकी फाइल बंद करेगा। हम लिबर ऑफिस राइटर के स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा। राइटर तथा उसमें विभिन्न टूलबार देखें। राइटर में नया डॉक्यूमेंट तथा मौजूदा डॉक्यूमेंट कैसे खोलें और कैसे डॉक्यूमेंट सेव करें, कैसे डॉक्यूमेंट बंद करें। व्यापक असाइनमेंट। राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलें, practice.odt नाम से सेव करें, यह टेक्स्ट लिखें, This is my first assignment, फाइल सेव करें, टेक्स्ट को रेखांकित करें, फॉन्ट साइज को बढ़ाकर 16 कर दें, फाइल बंद करें। निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है। अगर अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट सकीना द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।